रोटी दिखा रहा है, सूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मन मत ललचाए जी। तभी वो दिखा रहा है सूखी रोटी, लो आप लोगों को भी खिला रहे। तो अब जा रही हूँ मैं डोसा बनाने की तैयारी करने, क्योंकि आप लोगों की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है दी डोसा बनाइए डोसा बनाइए। तो आप लोगों को पता है अगर साउथ इंडियन स्टाइल में आप अच्छे से मसाला डोसा बनाते हैं तो उसकी तैयारी लगभग 10 से 12 घंटे पहले से शुरू हो जाती है। चलिए चलते हैं किचन में, तैयारी करें आपके डोसे की। अरे हाय तो ले ले मेरी, वो वाली हाय नहीं, मतलब मेरी हाय गरीब की हाय। तो हाय लगाओगे क्या मेरे डोसे में? तो डोसा बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो एकदम सही मात्रा में हो, क्योंकि बैटर अगर सही है तो सारा डोसा सही है, अगर बैटर ही सही नहीं बना तो फिर डोसा बनाना तो मुश्किल है। तो मैंने 2 कटोरी भर के लिए हैं डेली यूज़ वाले चावल जो मैं रोज़ बनाती हूँ, 2 चम्मच चने की दाल 2 से 3 चम्मच और थोड़ी सी मेथी दाना लगभग आधी चम्मच, और उसके बाद ये लिए थोड़े से पोहे, ये सिंपल वाले पोहे हैं जो नॉर्मल होते हैं, ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा पतले। तो ये हैं लगभग आधी मुट्ठी होंगे, लेकिन पोहे अभी हम नहीं डालेंगे। और साथ में ली है मैंने आधी कटोरी उड़द दाल, ये पोहे मैं अभी हटा के रख दूँगी, ये बाद में डाले जाते हैं। तो ये उड़द दाल बिना छिलके वाली होगी तो और अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास छिलके वाली है तो जो चीज़ें मेरे पास हैं उन्हीं से बनाना है। अब ये नहीं है कि नहीं है दाल तो फिर मैं मार्केट से मंगाऊँ बिना छिलके वाली, इसलिए मैंने क्या किया है जो बाकी की चीज़ें हैं उनको मैंने धो के अलग गला दिया है पानी में, और जो उड़द दाल है इसको धुल के अच्छे से अलग पानी में गला दिया है, और बस इनको लगभग 4 से 5 घंटे ऐसे ही ढक के रखना है। और उड़द की दाल मैंने इसलिए अलग गलाई है क्योंकि मैं उसके गलने के बाद में छिलके सारे निकाल दूंगी, तो ये बिना छिलके वाली ही दाल बन जाएगी। और जब तक दाल गली हुई रखी थी, जब तक मैं बैकग्राउंड के काम कर रही थी, क्योंकि सबको थोड़ी छोटी छोटी सी भूख थी, तो यहाँ मैंने भेलपूरी बनाई है चने लाई और नमकीन प्याज टमाटर नींबू हरी मिर्च ये सब डाल के, और ये घर के भुने हुए चने हैं तो सबकी छोटी छोटी भूख के लिए हो गया था। और साथ में ही मैंने बनाई थी पनीर की सब्जी, तो ये मेरे बैकग्राउंड के काम चल रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेश क्रीम है जो कि 3 दिन की मलाई से निकाली हुई है कटोरा भर के, और इसमें से मैंने थोड़ी सी सब्जी के लिए ली थी। तो ये सब हमारा डिनर विनर खाना वाना सब ऐसे ही हुआ था, पनीर वनीर। और ये देखिए वापस से आ जाते हैं, तो यहाँ मैंने सारे छिलके निकाल दिए हैं उड़द की दाल के, मसल मसल के धुली है दाल, एक एक छिलका इसका अलग हो गया है। पोहे भी मैंने धुल के इसी में मिला दिए हैं क्योंकि पहले से पोहे नहीं डाले थे, और बस अब सारी चीज़ों को एक में मिला के और 3 भाग में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि ये जो बैटर है इसको पीसने में टाइम लगता है, मिक्सी को रुक रुक के चलाना होता है, इसलिए आराम आराम से 3 बार में पीसेंगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए बैटर में, क्योंकि एक बार बैटर अगर पतला हो गया तो इसको आप बैलेंस में नहीं ला सकते हो, इसलिए आराम से धैर्यपूर्वक हल्का हल्का पानी डाल के ही पीसना है, मेन पॉइंट वाली बात है, क्योंकि बाद में बिगड़े ना आपके डोसे। तो यहाँ हमारे डोसे का बैटर पिस रहा है और यहाँ पे ये काम चल रहा है, क्योंकि सब लोग सोने की तैयारी में हैं, ये जग रहे हैं अभी, और कैंपर के ऊपर सारे आलू प्याज रख दिए, एक भी नीचे गिर जाता है तो चिल्ला चिल्ला के रोता है जैसे कि हम गिरा रहे हैं। तो ये 3 बार का पीसा हुआ बैटर है, ये देखिए 3 बार मैंने पीस लिया इसको अच्छे से, और बस इसको ढक के रख दूंगी। और अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और सुबह मैं इसके हाल चाल लूँगी ताकि इसमें अच्छा सा फ्रेगमेंटेशन हो जाए। हेलो गुड मॉर्निंग, तो बस नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं अपने डोसे बनाने के लिए, और बैटर बहुत अच्छी तरीके से फूला है, बहुत अच्छा फ्रेगमेंटेशन हुआ है उसमें। तो ऐसी चीज़ें जब बनानी हो ना तो रात में ही तैयारी शुरू कर दो, मैंने तो खोल के देख लिया है, फिलहाल आप लोगों को भी दिखा दें। चलिए तो ये देखिए बैटर कितने अच्छे तरीके से फूला है, इसके लिए मैंने लेट नाइट तक काम किया था, अब कैसे नहीं डोसे अच्छे बनेंगे, बनेंगे ना। तो बस अब साथ में तैयार कर लेते हैं इसका आलू, क्योंकि मसाला डोसा है तो इसमें मसाला भरा जाएगा। तो ये मैंने आलू बॉईल किए हैं, थोड़ा सा अदरक है, हरी मिर्च को लंबा लंबा सा काट लिया है, उसके बाद में करी पत्ते हैं, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो साथ ही साथ लाती जाऊंगी क्योंकि यहाँ जगह नहीं रह जाती रखने के लिए। तो बस ये प्याज काट लिए है एक बड़ी मीडियम साइज की, और यहाँ पे गैस पे रख दी है कढ़ाई। अब थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल गरम करूँगी, और फ्रेंड्स बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना तो पकड़ मत लेना कोई बात में, एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत चलता है।
तो यहाँ पे मैंने ऑयल में थोड़े से मूंगफली के दाने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं जो निकाले थे, और मतलब एकदम से चटक गए हैं, भुन गए अच्छे से तब तक। और उसके बाद में उसी तेल में डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, और जब ये दोनों चीज़ें चटक गए हैं तो मैंने इसमें डाल दिया है कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से भूनेंगे, इसमें डाल दी हरी मिर्च, हरी मिर्च को साथ ही साथ भूनते चलेंगे, और क्या डाल देंगे, थोड़ा सा जो अदरक रखा था वो डाल देंगे इसमें, करी पत्ते डाल देंगे। वैसे तो मैंने आज फ्रेश करी पत्ते भी मंगा लिए हैं, लेकिन ये मैंने पहले से तोड़ के रखे थे वो वाले डाल दिए हैं। उसके बाद ये सब हो गया तो मैंने इसमें टमाटर, दो टमाटर काटे थे, छोटे छोटे थे, बड़ा होता तो एक डाल देती, और बस ये डाल के अच्छे से चला के थोड़ी देर बंद किया। टमाटर थोड़ा सा पक गया तो मैं इसमें मसाले डाल दे रही हूँ। मैंने डाला है 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच बहुत ज़रा सी लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी, और उसके बाद में 1/2 से 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और उसके बाद बस ये मैश किया हुआ आलू डाल दिया है, सबको अच्छे से मिला दिया है। और फिर ये जो मूंगफली के दाने थे ना, इसके छिलकों को मसल मसल के निकाल के और थोड़े थोड़े से तोड़ दिए हैं ये दाने, और बस ये भी मिला दिए हैं। अगर ये नहीं है तो हम यहाँ पे मटर के दाने भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना जो कुछ घर में है उससे ही बनाना है, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि घर पर हो ही। और जो ये बैटर रखा हुआ था इसमें मैंने अब नमक मिलाया है, नमक पहले से नहीं मिलाना है, और सबको अच्छे से मिला दिया ये देखिए, और थोड़ा सा पानी भी मिलाया है क्योंकि पहले गाढ़ा था ना, लेकिन जैसा अभी दिख रहा था ना सेम उतना ही पतला करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में तवे को गैस पे गरम किया है, तवा जब अच्छे से गरम हो गया तब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और कपड़े से पोंछ दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी हो गया था वो मैंने निकाल दिया। इससे क्या है, इसका सारा खेल ना तवे से ही होता है कि तवा कितना गर्म है कितना ठंडा है, इसलिए मैंने तवे को गर्म करके जल्दी से उसमें पानी डाला, तवा ठंडा हो गया और फिर से तवा गर्म हुआ, तुरंत बैटर डाल के फैला दिया है। तो पहला डोसा जब मैंने डाला तो थोड़ा होता है ना पहले पहले डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा डोसा बिगड़ जाए, बनता है कि नहीं बनता है, तो डर के मारे ऐसे जल्दी जल्दी फैला रही थी, लेकिन चिपका नहीं है। ये देखिए डोसा अच्छे से एक बार में ही निकल गया है, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सारी मेहनत ख़राब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि डोसा इसी में चिपक जाए, तो आप लोग कहेंगे चली थी डोसा बनाने और सब खराब कर दिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा डर लगता है। तो ये भर दिया मैंने इसमें आलू, और एकदम इतना करारा बना था, मैं इसको तोड़ के दिखाती ना इसमें आवाज़ भी आ रही थी एकदम, जब मैं एकदम गरम गरम निकाल रही थी ना एकदम चुरचुरे से एकदम करारे से डोसे बन रहे थे। तो इस तरीके से मैं दूसरा बना के दिखाती हूँ, सेम मैंने वैसे ही इसमें पानी डाला, कपड़े से पोंछा, बैटर डाला और इसको ऐसे फैला दिया। आप जितना पतला बना सकते हैं उतना पतला बना लीजिए, मतलब मैंने तो ऐसे मीडियम साइज के बनाए हैं, लेकिन काफ़ी ठीक थे। ये देखिए तुरंत तुरंत निकल आ रहे हैं, और जैसे ही एक तरफ से हो जा रहा था तो मैंने ऊपर हल्का सा ऑयल का ब्रश मारा है, बहुत हल्का सा, इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी कि आप ऑयल लगाएं, बट मैंने ज़रा सा लगा दिया था ऊपर से, क्योंकि पानी के जो पानी हम डाल रहे हैं, पानी पोंछ रहे हैं, उससे ही बहुत अच्छे से निकल आ रहे थे, क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है, सिंपल वाला जो होता है, मेरे पास पतला ही तवा है। ये देखिए कितने अच्छे से एक के बाद एक मैं सारे बनाती जा रही हूँ, और एक भी डोसा चिपक नहीं रहा है। मैंने 3 से 4 तो आपको बना के दिखा ही दिए, तो इस तरीके से देखिए 3 बन गए हैं मेरे, और अभी तक एक भी नहीं चिपका है। मुझे ऐसा लग रहा था, कहते ना शुरू शुरू वाला जो होता है शुरुआत का वो चिपक जाता है, लेकिन नहीं चिपका। इनसे पूछ रही थी कि तुम्हारे लिए कितने बनाने, क्योंकि 2 मैंने अपने लिए बनाए थे, 2 नंदिनी के लिए बना रही थी, और इनके लिए 3 के हिसाब से बना रही थी, तो ये बोल रहे 3 में मेरा नहीं होगा और बनाओ, क्योंकि इनकी आदत है भले ही ये खा ना पाए, लेकिन ऐसी चीज़ जब बन रही होती है तो इनको लगता है कि कहीं मेरे लिए कम ना पड़ जाए, और फिर लास्ट में वो बचा ही रखा रहता है फिर भी, और मुझे पता है इनको कितना खाना होता है। और इसके साथ बनाया मैंने साउथ इंडियन स्टाइल में सांभर, जिसमें कि मैंने इमली का पल्प, सांभर मसाला, सारी सब्जियां, ड्रम स्टिक वगैरह डाल के बहुत ही टेस्टी सा सांभर बनाया, क्योंकि डोसा तो सांभर के बिना अधूरा रहता है। तो ये साउथ इंडियन स्टाइल के डोसे और सांभर ये तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने करारे करारे डोसे, कितना सुंदर सांभर दिख रहा है, प्लेट लगी हुई है, बस तैयार है, आ जाइए। ये देखिए मतलब कलर ही एक अलग आ रहा है, जबकि इसमें मैंने काश्मीरी मिर्च वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि थी नहीं घर पे, सिंपल ही डाली थी मैंने। और ये डोसे भी कितने अच्छे लग रहे हैं।
फाइनली मेरा डोसा सांभर बन गया। सच में इतनी खुशी हो रही है, मैं जाहिर नहीं कर सकती। मुझे लग रहा था कहीं चिपक ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए, बट इतने अच्छे डोसे बने अपने आप, फटाफट सब निकलते जा रहे हैं, मजा आ गया। सबसे पहले तो आप लोग खाओ इस खुशी में, बाकी लोग बाद में खाएंगे। ये लो, आप लोगों को डोसा खाना था ना, कहाँ गया मेरा हाथ, ये लो। आलू नहीं आया इसमें। जब हम कोई चीज पूरी मेहनत से बनाते हैं, पूरी लगन से बनाते हैं, तो वो बनता है। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो बिगड़ेगा, बनेगा। एक बार बिगड़ेगा, दो बार बिगड़ेगा, बनेगा जरूर। बट मेरा बन गया, थैंक गॉड। क्या बात है, ज्यादा अच्छा बन गया कि डोसे को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है डोसा के आगे। जी अरे तो मेरे ऊपर प्राउड होना चाहिए, होना चाहिए कि जो तुम बनाती हो मैं उसको खा लेता हूँ। सब कुछ तुम बना लेती हो, कुछ भी ऐसा बचा नहीं है इसको तुम ना बनाओ, बहुत अच्छा बनाती हो। इनफैक्ट कभी कभी तुम मुझे पागल भी बना जाती हो, कहती कुछ और मैं खाने को मुझे कुछ और मिलता है। तो आ जाइए आप भी, क्योंकि यहाँ पे एक भी बचने वाले नहीं, किसी का सर ऊपर भी नहीं उठ रहा है खाने में। सब लगे थे डोसा बनाने में, खाने में, अयान हमारे नींद पूरी कर रहे थे। तो आज मजा आ गया डोसा खा के, तो मसाला डोसा सांभर क्यों, हाँ। कैसे लगे थे नंदनी? अच्छे लगे थे, मजा आया खा के। या अब क्या खाना है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं खाना है। मार नहीं खानी है? नहीं। तो चलिए, अगर डोसा सच में पसंद आ गया है ना, लाइक कर दीजिएगा, यहाँ तक आके खा लिए हैं डोसे अब तो। और जो सांभर है ना, वो सांभर की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा हो गया था खाना खजाना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो व्लॉग के साथ में। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।